जय बजरंगबली, हम सोच लिए हैं कि बंबई रवाना हो जाएं। बक्सा में नाम लिखवा लिया है, गंगाराम, गंगापुर और जिला बिशनपुर। अच्छा। अब वो कुंती कहत रही बहुत बढ़िया नाम लिखा है, अब बक्सा में नाम लिखा है तो बक्सा कभी भुलाएगा नहीं। अरे भैया गंगाराम, कोशिश करने से ही तो फल मिलता है। हिमालय पे चढ़ने वाला अगर पहले ही सोच लेता कि कितना मुश्किल काम है तो वहाँ पे झंडा फहरा पाता। हिम्मत तो बहुत है गुरुजी, लेकिन कितना बड़ा महानगरी, कोई जान ना पहचान, स्टेशन से उतर कर कहां जाएंगे, किसके पास रहेंगे, हैं? अब कितना पैसा का दरकार होगा ये भी तो नहीं मालूम। अब अगर वापस आना पड़ा तब क्या करेंगे, हैं? टिकट का पैसा भी तो अंतिम होना चाहिए कि नहीं। समझो कि गंगाराम को रहने का ठिकाना तो मिल गया। हमारी बड़की लड़की की ननंद राम मिलन की औरत है, दुलारी नाम है उसका। हम तुमको चिट्ठी लिख देंगे, लेते जाना। ये लीजिए भाई जी, 2000 रुपया है, जितना कुल रुपया है वो मैं ये भी जोड़ लो। अच्छा भाइयों, सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि हम बंबई जाएं और कुछ बन के दिखाएं। अरे गंगाराम, तू जैसे गंगापुर की शान है ना, वैसे फिल्मी दुनिया की भी शान बनेगा। आ गया। यही जोगेश्वरी है का? हाँ भैया यही जोगेश्वरी, मगर जाना कहाँ है? वो हमारे गांव के एक है रामलन भैया, उनके यहाँ जाना है। अरे मगर पता होता है क्या? है ना, ये देखो, ये देखो, ये। मगर पढ़ के तो बताओ। पढ़ के? हाँ। हमारे आँख में कुछ अलग है, तुम ही पढ़ लो। आनंद नगर। एक काम करो भैया, यहाँ से सीधे चले जाओ, पूछते पूछते आगे पूछ लेना, पता मिल जाएगा। जाओ। अरे मगर भैया भाड़ा तो दे दो। गंगापुर? अरे भैया गंगापुर के रहने वाले हो का? हाँ भैया, का है? वाह भैया वाह, कितना अच्छा संजोग है, बंबई में सालों भर बाद अपनी तरफ का पहला आदमी मिला है। कितना पैसे हुआ? 20 रुपया भैया। अच्छा भैया, क्या करने आए हो, घूमने आए हो? नहीं भाई, यूं तो कोई आता नहीं, हम फिल्म में हीरो बनने आए हैं। क्या फिल्म में हीरो? तुम हो? हाँ, क्या है, तुम हो फिल्म में हीरो बनने आए थे का? नहीं भैया, मेरी गाड़ी में 6 आदमी आए थे हीरो बनने। तो उनको काम मिला कि नहीं? अब भाई उनको काम मिला कि नहीं, मैंने तो आज तक उनको फिल्मों में नहीं देखा। लेकिन हमारा गांव की नौटंकी में बहुत नाम रहा, हम वहाँ की नौटंकी बादशाह रहे। तब तो हीरो जरूर बन जाओगे तुम, क्योंकि फिल्म में नौटंकी तो होती है। अच्छा जय राम जी की। ले लो भैया सेक चना, कड़क कड़क सेक चना, ले लो भैया सेक चना। भैया जरा हमको पता बता दो यार,
हमरे से का पूछे थो, पढ़े लिखे रहते हम तो सेब चना बेचते। पढ़े लिखे तो हम भी नहीं हैं। लो राम मिलायन जोड़ी, कल से हमरे साथ चना बेचियो। जा भाई आगे पूछ लो। ला कड़क कड़क सेक चना, कड़क कड़क सेक चना, कड़क कड़क सेक चना। भाई जरा ये पता बता दो। अरे भाई हम मजदूर आदमी, पढ़े लिखे ना ही है। आनंद नगर यही है ना? यही है। तो ये राम मिलन कहाँ रहते हैं? राम मिलन यहाँ पड़ोसी पड़ोसी को ना ही जाने थे, राम मिलन को कौन जाने। पंडित जी आनंद नगर यही है ना? परदेसी मालूम पड़ते हो भाई, कहाँ जाना है? ये पता बता दीजिए हमको जरा कहाँ है। अरे भाई आप तो गलत जगह पर आ गए, आनंदपुर यहाँ से तो बहुत दूर है। हा? लेकिन पंडित जी ने कहा आनंद नगर यही है। आनंद नगर, गलती हो गई, मैंने समझा आनंदपुर। हाँ भाई हाँ, आनंद नगर तो यही है। अरे भाई आप तो हमारा सांस ही रोक दिए थे, बताइए कैसे जाना कहाँ जाना है। खोली नंबर 7/11, इसका मतलब है 7 नंबर की 40, 11 नंबर की खोली, यहीं पर है थोड़ी दूर। अच्छा कैसे जाने, लेकिन वो तो बताइए। यहाँ से सीधा जाए फिर राइट टर्न करे। कहाँ करना है? राइट टर्न बाबा, राइट लेफ्ट नहीं जानते? नहीं। खैर चलो छोड़ो, राइट टर्न मतलब दाएं बाएं। यहाँ से आप सीधा जाए दाएं मुड़िए, वहाँ पे एक दवा की दुकान आएगी, फिर थोड़ी दूर जाए वहाँ पे बाएं मुड़िए, वहाँ पे ये चाली है। अरे भैया पहुँचा दी ना, बहुत मेहरबानी होगी, ये दाएं बाएं के चक्कर में हमको चक्कर आ जाएगा। हाँ मैं पहुँचा तो। अरे लड़का जरा इधर आओ, लाई पता ये साहब को वो 7 नंबर 40 पे पहुंचा दो। हाँ जा। सर काजी राम मिलन जी यही रहते हैं? हाँ। आपसे कोई मिलने है? नमस्ते। नमस्ते। हम जी गंगाराम है, गंगापुर से आए हैं। गंगापुर से? हाँ जी। हम तो नहीं पहचानते। लेकिन गुरुजी तो पहचानते हैं, नौटंकी वाले। ये देखिए आपके नाम की चिट्ठी है। तो फिल्म में हीरो बनने आए हैं जी, और हमरे यहाँ ठहरिएगा। हाँ मालूम है ना कि ये मुंबई है। हाँ मालूम है, तभी ना आए हैं। तो क्या समझते हैं, आज आए और फट करके कल काम मिल जाएगा, और जब तक काम नहीं मिलेगा हमरे माथे पर रहिएगा। नहीं घर में गुरु जी कहे तो उनकी बड़की बेटी की नंद दुलारी। चुप रहो। अरे गुरु जी कहा समझते, हमको तो धर्मशाला खोले बैठे हैं, है कि जो भी आएगा उसको एक तो कमरा दे देंगे। अरे अपन को यहाँ पूरा नहीं पड़ता तो दूसरा कहाँ रखेंगे? अरे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? गुरु जी कहे तो इधर उधर मत देखना, सीधा दुलारी के घर जाना। कह दिया दुलारी के यहाँ चले जाना। तुम यही ठहरो, हम अभी आते हैं। अरे अरे कौन है जी, हमरा नाम ले रहा है? मुसीबत। अरे तूने नैहर वालों के अक्कल घास चरने गया है का? है कोई गुरुजी है, एक चिट्ठी भेजे है कि उसको अपने घर में ठहराना, फिल्म में काम करने आया है। अरे यहाँ हीरो छाप जूता घिसते हैं और यहाँ हीरो बनने आया चप्पल पहन के, वही हमारे घर रही के। हाँ बोलिए, सुनेगा तो कहा सोचेगा? गोली मारो उसे, सोचना तो हमको पड़ेगा कि हम क्या करें। अब गुरुजी काका की बात तो रखनी होगी, रिश्तेदारी का मामला है ना। अब ऐसा नहीं गांव वापस भेज दीजिएगा तो फजीहत होगा। अरे गांव में क्या होगा, उससे हमको क्या मतलब है? फजीहत तो यहाँ भी होगा, लोग कहेंगे गांव का रिश्तेदार आया था भगा दिए। अब इसे तो अच्छा ही है ना कि चुप्पी रहो, बाद में उसे समझा बुझा कर काव वापस भेज देंगे। नमस्ते। ये बाहर कौन खड़ा है?
कहाँ से आया है? यहीं रहेगा क्या? हाँ। पर सोएगा कहाँ? हमारे सर पर। चुप रहो। लेकिन है कौन? की पढ़ा? पढ़ पढ़ पढ़। अरे वाह, फिल्म में काम करने आया है गांव की नौटंकी का नंबर वन हीरो याहू। तनिक यहाँ प्यारे, एकरे रहने का बंदोबस्त करो और हाथ मुंह धो के खाना वाना खा लियो, हम अभी काम से जा रहे हैं। ये आपका लड़का है? नहीं, गांव से आया फिल्म में हीरो बनने। अच्छा, वो क्या है बाबूजी, थोड़ा गुस्से वाले हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम फिल्म में काम करते हो? हाँ, इरादा तो यही, अब देखिए आगे क्या होता है। हीरो बनना है तो बाल क्यों कटवा लिया? अरे पूछा उन्हें क्या हुआ, जब स्टेशन में जैसे उतरे हमको एक नाई ने पकड़ लिया। वो कहने लगा कहाँ जा रहे हो, हमने कहा हीरो बनना। कहने लगा इतना बड़ा बाल लेकर हीरो बनिएगा, बैठो यहाँ। और हमको ईंटा पे बिठा के 10 रुपया लिया और हमारा बाल काट दिया। ओहो, बनोगे बनोगे हीरो बनोगे? बन जाएंगे ना। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो चलो। अच्छा चलो, ये मैं लेता हूँ, चलो। ये ठीक है। हमारे यहाँ भी गांव की नौटंकी आती है, देख के बहुत मजा आता है। अच्छा, आपको नौटंकी देखना बहुत अच्छा लगता है? अरे हमें एक्टिंग का बहुत शौक है, हम भी एक्टर बनेंगे। तो फिल्म तो आप बहुत देखते होंगे? बहुत, लेकिन बाबूजी से छुपा के। छुपा के कहे? बाबूजी को सिनेमा पसंद नहीं है, ना खुद देखते हैं ना हमें देखने देते हैं। अब अच्छा हुआ हम दोनों मिलकर सिनेमा देखेंगे, आज शुक्रवार है, सपना में नई फिल्म लगी है, अजय देवगन है, आज ही देखेंगे, मैं हमेशा पहला शो देखता हूँ। अच्छा एक बात बताइए तो, आपके बाबूजी करते कहाँ हैं? कारपेंटर हैं। कारपेंट कहाँ? जो लकड़ियाँ काम करते हैं, कारपेंटर नहीं समझते हैं क्या? अरे नहीं समझते तभी तो, कहाँ होता भाई ये? आप कितना पढ़े हैं? पढ़ लिखे तो कुछ नहीं है। ये मजाक छोड़ो, सच सच बताओ। अरे नहीं भाई, हम झूठ काहे बोलेंगे, हम भगवान की कसम खा कहते हैं, जो भी बात साबित करते हैं कि हम एक दिन भी स्कूल गए थे, हम उसको 100 रुपये इनाम में दे देंगे। हाँ। अरे अब क्या सोचने लग गए जी? तुम पढ़े नहीं हो तो फिल्म में काम कैसे करोगे? धत्ते रेखी, जैसे नौटंकी में करते थे वैसे। नौटंकी में तो हम बहुत बड़ा बड़ा पार्ट सुन के फटाफट याद करके सुना देते थे। लेकिन दोस्त, हम तो पढ़कर याद करते हैं। अरे अब जो होना था हो गया, अब हमको ये बताइए कि करना क्या होगा। हमको तो हीरो जरूर बनना है फिल्म में, चाहे कुछ हो जाए। तुम्हारी और मेरी मंजिल एक है, हम दोनों मिलकर अपनी किस्मत आजमाएंगे, आज से तुम हमारे दोस्त और साथी, चलो हाथ मिलाओ। लो। हमारे लिए एक चाय बना लिया। हाँ। और कुछ खाए वाए के हो तो दे दियो, बहुत भूख लगी है। देती हूँ। हाँ। हाथ मुझ धोई लो। हाँ। आज काम जल्दी खत्म होएगा का? नहीं, काम तो नहीं खत्म हुआ ता? हम बीच में छोड़ के चले आए, मन नहीं लग रहा था हमारा। का है, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है। हाँ। नौटंकी बाजा के हमारी फिक्र बढ़ा दी। कहाँ है वो? अब कहाँ जाने कहाँ गए हैं, अब प्यारे के साथ गए हैं कहीं। ऐसन कौन सी फिक्र पैदा हो गई जी? लो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रही है, और यहाँ हमारी हालत सांप छछुंदर वाली हो गई है, न निगलते बनता है न उगलते बनता है। अब मेहमान बन के आए हैं, 2-4 दिन में चले जाएंगे, आप काहे को इतनी फिक्र करते हैं जी? 2-4 दिन में? अरे 2-4 महीना तक की उड़बक यहाँ से जाने वाला नहीं है, और 2-4 साल भी यहाँ रह जाएगा तो क्या कर लोगे तुम? हैं? धक्के मार के भगाए दोगी? अरे जब धक्के मार के भगाना ही है तो आज काहे नहीं भगाए देती? अरे हमारा बस चलता ना तो हम तो बैरंग ऐसे ही वापस भेज दिया होता। पर तू ही अपने वो का कहते हैं गुरु जी काका की दुहाई देने लग गई है। अरे 2-4 दिन कोनो बंबई घूमने आए तो चलता है, पर ई ससुर के नाती तो फिल्मी हीरो बनने आया, और जब तक के हीरो नहीं बन जाएगा
हमारी छाती पे मुंह डालेगा, चाहे जिंदगी बीत जाए। अब गुस्सा करके अपना ब्लड प्रेशर काहे को बढ़ा रहे हैं जी, फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा है। कह दीजिए 2-4 दिन बम्बई घूम के गाँव वापस चला जाए, नहीं तो कानो धर्मशाला में जाकर रहे। हाँ। वाह वाह रे हमारी सीधी सादी महारानी, अरे मुफ्त में कोनो को खाना मिले, रहे के जगह मिले तो काहे छोड़ के जाएगा है? हमरे घर कोनो धर्मशाला से कम है का? अब तो चुप रहिएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे का ठीक हो जाएगा? देखो वो नौटंकी बाज को ज्यादा माथा चढ़ाए की जरूरत नहीं है, और प्यारी को भी समझा देना कि ओकरे संगत कम करे, नहीं तो फिल्मी बुखार और चढ़ जाएगा। वैसे भी आजकल वो आईने के सामने खड़ा होकर ऐसे सिंगार करते रहता है, हैं? और टेप में गाना सुन के ऐसे माटकाते रहता है, बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है। हाँ, हम सच बोल रहे हैं तो बड़बड़ा रहे हैं हम? तुम अच्छा बोलती हो। पंडित जी राम राम। राम राम भैया। हाय पंडित जी पंत। हाँ विजय पिंटो, ये मेरे मौसेरे भाई हैं, गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम, ये विजय, ये पिंटो। हाय नमस्ते। इन्हें पहले इधर कभी देखा नहीं? ये गांव से आए हैं। मुंबई घूमने? अरे नहीं यार, बहुत बड़े मिशन पर आए हैं, अंदाजा लगाओ क्या मिशन होगा? पुलिस में? अरे नहीं यार, पुलिस वालों का ही मिशन होता है क्या? अरे तो बताना काय को इतना भाव खा रहे है? प्यारे भैया पान। हाँ हाँ जरा सोचो, दिमाग लड़ाओ, ये लो टैक्सी। आराम से। टैक्सी ड्राइवर? नहीं यार। तो फिर जरूर फिल्म में काम करना। अरे तुम्हें कैसे पता चल गया? बम्बई में इसीलिए तो आबादी बढ़ रही है, यूपी बिहार से नौजवान सीधा बम्बई चला आता है अमिताभ बच्चन बनने। वो कहावत है ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो मुंबई भाग आता है। ये है ना, स्टेज के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उधर इनको नौटंकी का बादशाह बोलते हैं। भाई साहब आप बुरा मत मानना, हम दोस्त लोग जरा मस्करी कर रहे थे। आप आइए ना, बैठिए, आराम से बैठिए बैठिए। ये सुन, हमारा दोस्त कैसा एक्टर लगा? क्या सवाल करता है यार, जब एक्टिंग वेक्टिंग देखेगा तभी तो तुझे बताएगा ना। ए क्यों भाव मार रहा है, सीधा बताना कहाँ एक्टिंग करता है। ये हमारा ग्रेट आर्टिस्ट फिल्म में काम करने आया है। कौन सी फिल्म है? ये टाइटल मालूम नहीं? उसको मालूम होगा, पूछ के बताना किधर काम करता है। अरे किसी ने बुलाया होगा तभी तो आया है एक्टिंग करने। हाँ एक काम करता हूँ, पूछ के बताता हूँ। पूछ पूछ, पता नहीं यार। देखो दोस्त, ये मेरे साथी लोग हैं, इन पर तुम्हारा सिक्का जमाना है। मैं कुछ भी पूछूंगा, ये जो भी बोले हाँ में हाँ मिलाना। अरे कहे कहे मिलाए? अरे मिलाना पड़ता है। हाँ सुभाष घई। क्या सुभाष घई? इसको बुलाया तो क्या इनको ऐसे ही नौटंकी का बादशाह बोलते हैं? तब तो जरूर कोई धांसू एक्टर होगा। अच्छा सुभाष घई ने इसका नौटंकी किधर देखा? अरे इसके गांव में नौटंकी देख के एकदम फ्लैट हो गया, बोला मुंबई आ जाओ मेरी फिल्म में काम करो, मेरे गांव का है ना इसलिए डायरेक्ट अपने पास आ गया। देख देख ग्रेट आर्टिस्ट लगता है, गंगा राम द ग्रेट। अरे फ्यूचर की सोच, अभी ये बहुत फेमस होने वाला है, उसके साथ साथ मैं भी साइड हीरो बनूंगा। चल अपन भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। चल चल कॉन्ग्रेचुलेशंस गंगाराम जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विच यू ग्रेट सक्सेस गंगाराम जी। अपन को भूलना मत, अपन का गैरेज है ड्राइविंग में एक्सपर्ट, हमें अपना ड्राइवर रख लेना है। जय सरस्वती मैया, गंगापुर से बम्बई तक तो खींच लाई हो माई, अब काम का भी कोई रास्ता बता दो माई, बड़ी कृपा होगी माई। जय हो मैया। रास्ता ढूंढना पड़ता है दोस्त। अरे तो ढूंढे ना भाई कोई रास्ता, है कोई जान पहचान का? अरे हमारी पहुंच होती तो अब तक हम किसी न किसी फिल्म में काम कर लेते। हाँ तो देखो दोस्त, हम दोनों ने बीड़ा उठाया है कि फिल्म में जीना और फिल्म में मरना, तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ही। देखो अब यहाँ बड़े से बड़े एक्टर को पता है कौन काम दिलाता है? कौन? किस्मत। अरे तो हमारे पास जितना किस्मत था वो हमको यहाँ खींच लाई, बाकी कहाँ से लेकर आए यहाँ से? देखो उसके लिए दिलो जान से मेहनत करनी पड़ती है तभी तो किस्मत खुलती है। तो करिए ना मेहनत, शायद किस्मत खुल जाए, ससुरी कुछ गाड़ी तो आगे बढ़ाए। तुम्हारे पास कितने रुपया है? हमारे पास 400 रुपया। लेकिन ये बात काहे पूछे? ऐसे ही। और तुम्हारे पास कितना है? हमें मैया रोज 1 रुपये देती है। 1 रुपया? अरे तो फिर रुपया की बात काहे करते हैं? बस पूछ लिए, अगर 4-5 लाख रुपए होते तो एक फिल्म बनाते। कौन चक्कर चला रहा है? अरे कोई चक्कर वक्कर नहीं है। फिर कहा? देखो अभी बाबू जाने वाले हैं, उनको ये सब बता देना तो शायद कुछ चक्कर चल जाए। अच्छा ये बात है।
बाबूजी, ये कुछ कहना चाहते हैं। बोल गंगाराम। बाबूजी, हमने फैसला कर लिया है कि जब तक हम फिल्म का हीरो नहीं बन जाएंगे हम यहीं डटे रहेंगे। तो एकदम फैसला करके आए हैं तक फिल्म में ही काम करेंगे? हाँ बिल्कुल। अब काम नहीं मिला तो? अरे तो कोशिश करेंगे, उसे तो मिलवा ही करेगा। अब कोशिश के बाद भी काम नहीं मिला तब? बाबूजी ऐसा काय बोलते हैं आप? अरे ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ये गांव की नौटंकी नहीं है, फिल्म है फिल्म। अरे एक रे लालच में कईयो लड़का लड़की अपना जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। तुमको भी यही करना है का? बाबूजी तू चुप कर, बोलिए अब चुप काहे खड़े हैं? अरे कोई दाल भात का कौर नहीं कि हाथ से उठाए और गप से मुंह में खा लिया। अरे जब हम देखेंगे तब ना पता चलेगा कि का है। अरे एक बात बताइए कि हिमालय पहाड़ पे चढ़ने वाला चढ़ना शुरू करेगा, फिर चढ़ता जाएगा तब ना चोटी पे पहुंचेगा कि एकदम फट से छलांग लगा कर पहुंच जाएगा? बोली था जा अपनी माँ को बोल चाय लेके आए। हाँ तो गंगाराम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? अरे पढ़ने लिखने से क्या होता है, कुछ नहीं पढ़े। का तू चार क्लास भी नहीं पढ़े हो? अरे कौन क्लास नहीं पढ़े। वाह गंगाराम वाह, बलिहारी है तुम्हारे हिम्मत की, हाथ में हथियार नहीं और कूद पड़े लड़ाई में। हैं गंगाराम हमारी मानो तो सामान समेटो और चले जाओ यहाँ से। अरे गांव ना सही, कहीं दूसरी जगह मजदूरी करके पेट भर लो पर अपना दूसरा बंदोबस्त कर लो। सुन लो तोरे नैहर वाले को। सुन लिए ने, अभी यहाँ बाहर बैठकर चाली के लोगों को सुना रहे हैं तो हम कैसा ना ही सुनेंगे जी। अब चाय पीकर तनिक अंदर जाकर आराम कीजिए हैं, और रोज रोज ऐसा काम बीच में छोड़कर मत आइएगा, मैं वजह ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। का है भाई साहब को कौन बीमारी है का? नहीं है तो हो जाएगी। अरे प्यारे जरा इनको बम्बई उम्बई घुमा दिया है, फिर गांव के टिकट कटा के भेज दिए, ठीक है? आईने में मुंह देखा है कभी? अब हम ले आते हैं ना, आप जाइए आराम कीजिए, जाइए जाइए जाइए। बिजोला बुरा मत बांधना भैया, वो कहाँ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी जब से हुई है ना तब से चिड़चिड़ा हो गए हैं, बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं भैया। अरे नहीं हम काहे बुरा मानेंगे, अब देखिए उन्होंने हमको शरण दिया है तो अपना समझ के ना, और कुछ कहेंगे वो भी अपना समझ के, कहा प्यारे। ये तो शुरुआत है दोस्त, अब तो रोज तुम्हारी परेड होगी जैसे बचपन से हमारी होती आ रही है। अरे तो होने दीजिए ना परेड, हम डरते हैं का, हम तो डटे रहेंगे। एक बात बताओ भैया, जौन फिल्म में तुम काम से आए हो ना वो कितने दिन में पूरी होगी? अरे अम्मा जब शुरू होगी तब ना पूरी होगी। तो शुरू कब होगी? अरे बस उसी की देर है, जाओ जाओ तुम जाकर वो बाबूजी का ब्लड प्रेशर संभालो, जाओ अब जाओ। चलो चलो हम चलते हैं। अम्मा हम जा रहे हैं, जरा दरवाजा बंद कर लेना। चलो चलो प्यारे जल्दी आना। हाँ आएंगे। अब एक बात बताओ कि चलना कहाँ है? ये फिल्मी भूल भुलैया का रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, पड़ोस में रमेश रहता है, उसके बाबूजी हैं पन्नालाल जी, उनसे मिलते हैं। अर्थात वो अखबार में लिखता है तो क्या समझेगा फिल्म लाइन को? अरे फिल्म का समाचार लिखते हैं, उसके लड़के को जानता हूँ, पूछने में क्या हर्ज है। अरे चलो पूछो पूछो, शायद कोई मददगार मिल ही जाए भाई। चलो चलो, चलो हाँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप बाहर बैठे हैं? सब बाहर गए। तुम मेरे बेटे रमेश से मिलने आए हो? नहीं नहीं आप ही से मिलने आए हैं। अरे तुम तो गंगाराम हो ना? अरे आप इन्हें कैसे जानते हैं? ये जब आए थे तो इसके बक्से पर मैंने गंगाराम नाम पढ़ा था, ठीक कहा ना? हाँ जी आप ही ने तो उस लड़के को भेजा था हम ठिकाने पहुँचाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए बैठिए बैठिए, हम इधर ही बैठते हैं। अच्छा बैठो, तो ये बताओ कैसे आना हुआ? ये मेरे भाई हैं, फिल्म में काम करने के लिए आए हैं,
आप इनकी मदद कीजिए ना। सिनेमा देखकर एक्टर बनने का शौक हुआ या कुछ एक्टिंग भी आती है? नहीं, वो तो हम गांव की नौटंकी के बादशाह थे। अरे ये तो स्टेज के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। सो तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, अगर इसके बारे में कुछ लिखना होता तो किसी अखबार में छपवा देता। तो इनके बारे में अखबार में ही छपवा दीजिए, शायद उसी से कुछ मदद हो जाए। वो भी कुछ करने के बाद ही होगा ना, लिखने के लिए मैटर चाहिए। लेकिन कुछ काम मिलेगा तब ना दिखाएंगे करके। हाँ अंकल, जल्दी काम मिलेगा तभी तो मुंबई में टिक पाएंगे। ना आसान नहीं है रे। अच्छा एक बात बताओ, कुछ लिखने पढ़ने का शौक है? जी वो मैं, अगर हो तो थोड़ा बहुत आमदनी का बंदोबस्त मैं कर सकता हूँ। नहीं, ये इनसे नहीं होगा। हाँ, एक आदमी को मैं जानता हूँ, उसने कई साल पहले एक फिल्म बनाई थी और पैसे डुबा कर बैठ गया। हो सकता है वो शायद किसी से मिलवा दे। तो वह फिल्म नहीं बनाते? पता नहीं, लेकिन फिल्म का कीड़ा एक बार काट ले तो जिंदगी भर खुजली नहीं मिटती। उससे मिलकर देखो, उसका नाम है पुंजानी, खेमचंद पुंजानी। गंगापुर का गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम, एक नंबरी कलाकार है, नामी है नौटंकी बाज, बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज, कितना भी हो जाए नाम, बने नहीं विद्या बिन काम, कितना भी हो जाए नाम, बने नहीं विद्या बिन काम, कहता है भाई गंगाराम, गंगापुर